वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अकरम साहब सभी ठीक होंगे, आप सबकी दुआ से हम भी ठीक है। आज मैं बनाऊंगी सूरन की सब्जी। इसे मैं कट कर लेती हूँ। सूरन को अच्छी तरह कट करके साफ कर ली हूँ। आज तो दीपावली है, दीपावली के दिन अक्सर करके ये बनता है, ये बहुत टेस्टी भी रहता है। इसे मैं अच्छी तरह साफ कर ली हूँ, कट कर ली हूँ, कुकर में रख ली हूँ और इसमें पानी डाल देती हूँ और इसे उबाल लेती हूँ। इसे मैं 3 सीटी दिला लेती हूँ। मैं सूरन को उबाल ली हूँ, अब देख सकते हैं इसका मैं छिलटा निकाल लेती हूँ। सूरन के सब्जी बनाने के लिए मैं मसाला ली हूँ, मसाले को दिखा देती हूँ। 2 प्याज, 2 आड़ी लहसुन, 1 चम्मच सौंफ, अजवाइन मंगरेल 1 चम्मच, 1/2 चम्मच जीरा, 6 से 7 काली मिर्च, 2 चम्मच सरसों का दाना, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले को भी पीस लेती हूँ। इधर मैं छोटे पीस में इसे मैं कट कर ली हूँ, छिलटा निकाल ली हूँ। ये गेहूँ के आटे में लपेट के इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। इधर तेल रख दी हूँ, गर्म हो गया है। इसमें मैं एक एक पीस डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ। सूरन को अच्छी तरह फ्राई कर ली हूँ, अब इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। सूरन को फ्राई कर ली हूँ। इधर मैं गैस पर दूसर पतीली रख दी हूँ, इसमें तेल डाल दी हूँ। तेल गर्म हो गया, इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल देती हूँ। मेथी दाना को लाल कर लेती हूँ। मेथी दाना लाल हो गया है, अब इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देती हूँ। सभी मसाले को डाल दी हूँ, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। इसमें 5 से 6 आम का खटाई डाल देती हूँ, इससे अच्छा टेस्ट अच्छा रहता है। मसाले को अच्छी तरह भून लेती हूँ। मसाले को अच्छी तरह भून ली हूँ, अब इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी को डाल दी हूँ, अब इसमें फ्राई किया हुआ सूरन डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। 2 मिनट इसे पका लेती हूँ। 2 मिनट पका ली हूँ, गैस को बंद कर देती हूँ। कर दी हूँ ऊपर से थोड़ा सा सूखी सब्जी हो गया है। अब कन भी से हम सब कन भी बोलते हैं, सूरन की सब्जी भी बोलते हैं। ये दिवाली नक्शा के ये बनता है। आज मैं बनाई सूरन जी। आज वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों में करिए। मिलते हो अगले वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।